कुत्ते बिल्ले, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, दिस इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, सिमरन कौर ढादली, और गाना आ गया है। उनकी भी एक ईपी आ रही है, बट आई कुडंट अंडरस्टैंड उनकी एल्बम कौन सी आई थी पहले। तो दिस इज ऑन द ऑफिशियल पेज ऑफ सिमरन कौर ढादली वेयर इट्स एक ईपी आ रही है इनकी 2022 के अंदर, बट इनकी कोई एल्बम आई थी पहले जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। तो प्लीज गाइस हेल्प मी आउट, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskar. My name is Nikhil, and you're watching the Sorry TV. This is your one-stop channel for all your entertainment on YouTube, and this is the Sorry Reviews. मैं जैसे बात कर रहा था कि इनकी एक ईपी आ रही है, which is called गर्मी गायिका, मुझे मतलब नहीं पता इसका, something like this, ठीक है, EP 2022. एक्सटेंडेड प्ले 2022, बट इनकी एल्बम कहाँ आई, कोई एल्बम आई थी? मैं इनके पेज पे दोबारा जाता हूँ, लेट्स लेट मी सर्च इट आउट कि मैं कहीं गलत हूँ। आई विल गो टू दी वीडियोस और कोई तो एल्बम आई होगी जहाँ मुझे नहीं पता, ऐसे कोई गलती नहीं करता। ओके गाइज, आई कुडंट फाइंड कोई एल्बम आई है जिसकी वजह से, और सिमरन जी ने एक ईपी निकाली है, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, बट From my understanding, EP is always an extended play of an album, of something you released, of a record. आपने एक record release किया 6-8-12 गानों का और आपने उसका extended play निकाला, like Sidhu Moosewala did for Moose Tape and then he came out with No Name. And similarly, Back the Fuck Up Karan Aujla का था, उनका एक extended play आ रहा Way Ahead. तो मैडम ने, सिमरन कौर ने EP निकाल दी क्योंकि सब निकाल रहे थे, क्या ऐसा है? अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, बट अगर मैं सही हूँ तो मैम यू नीड टू करेक्ट इट, आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए इसे। यू कॉल इट एन एल्बम, सिक्स सॉन्ग का भी एक एल्बम होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आपने ईपी ही देना है क्योंकि ईपी साउंड्स कूल। सिंगर, लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन इज बाय सिमरन कौर, म्यूजिक इज बाय सैन बी, एंड द वीडियो इज बाय बी टुगेदर प्रोस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। Look, just go about your business like it was any other Saturday after. But you wanna know something, bitch? Don't be a why her and not me type of bitch. Be a how can I get next to that bitch type of bitch? Competition is none. But I is the phone in your face. Zambi, play this beat. Bacche te charche ho chukke, Simran nu sangal paune utte, vadd jugi par chukdi nahi, maan bada is taune utte, vadd jugi par chukdi nahi, maan bada is taune utte. I love the range of her voice. जो सबसे अच्छा मुझे लगता है ना सिमरन जी का, वो दैट इज द रेंज ऑफ हर वॉइस, जिस तरीके से वो स्टार्ट करती है ना, दैट जस्ट कम्स आउट टू बी लिटरली गुड। बट लिरिक्स के ऊपर आई एम नॉट श्योर, द वे शी स्टार्ट्स की बहुत चर्चे हो गए हैं मेरे पर्चों के ऊपर, मेरे जो केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत चर्चे हो गए हैं, और आई एम नॉट श्योर इन पे कोई केसेस चल भी रहे हैं नहीं। तुहाडी तिनका औकात क्यों? I find it funny, अगर आप मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि where she does like कुत्ते बिल्लियाँ, तो the way she does it वो थोड़ा ना funny लग रहा है मुझे, मतलब here just look at this. हाँ ठीक है, टप होई ना किसे तो जो लकीर वर्गी मेरे
गुड गुड पुआ पुआ कर दिया अच्छा ये गाना अगर तुम पहली बार सुनोगे ना तुम्हें नहीं समझ आने वाला, मतलब समझ क्या है, मतलब तुम्हें पसंद नहीं आएगा शायद, जैसे मुझे अभी इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा था, बट इन द लेटर सॉन्ग इट जस्ट पिक्ड इट अप, इट जस्ट पिक्ड इट अप। नीली छत वाला बस मेरा बाबा मेरा हाथ ना छड़े, मैं किसे तो नहीं डरदी। I would have named this song as Chukdi Nahi, क्योंकि कुत्ते बिल्लियां वाला जो फ्रेज आपका आया ना, दैट इज जस्ट वंस, लेकिन जो आपका रेपिटेटिव था ना कि कुत्ते बिल्लियां, नहीं 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 नहीं, हम गाने का नाम थोड़ा गलत पड़ गया यहाँ पर, और वो उस गाने को ना ये गाना ना सिमरन के ऊपर है, खुद के ऊपर है कि मैं चुकती नहीं हूँ, ठीक है, तो वो गाना उनको नाम चेंज सही रखना चाहिए था, बट द सॉन्ग पिक इट अप इन द एंड, लिरिक्स ब्यूटिफुली डन एट द एंड, लास्ट के दो वर्ड्स बहुत कैड़े थे, तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा सुन के। दिस इज सिमरन कौर तादली। जस्ट फ्यू करेक्शंस मैम, ईपी नहीं है शायद ये, आप इसको एल्बम कर दीजिए, मे बी मैं गलत हूं तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करूंगा, बाकी यू पीपल आर द जज, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए कि मैं कुछ गलत पकड़ रहा हूं तो उसको करेक्ट कीजिए। दिस इज द सॉरी रिव्यूज, आई एम निखिल एंड दिस इज द सॉरी टीवी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोना रैप दिस अप, मुझे एकदम तबीयत सी खराब हो रही है। I'm gonna wrap this up. See you.